देखो बच्चों, शाबाश। जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें वो क्या कह रहा है सुनो। ये डायग्राम गिवन है, कह रहा है एक ग्लास फुल ऑफ वाटर, इसके अंदर क्या फिल है, वाटर फिल है अपने पास, ठीक है। हैज ए बॉटम ऑफ एरिया, बॉटम का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है और टॉप का भी एरिया क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वाटर फिल है 20 सेंटीमीटर की हाइट तक। और क्या गिवन है कि इसके अंदर जो वाटर है ना सर, उसकी वॉल्यूम है हाफ लीटर। कितनी वॉल्यूम है इसकी, हाफ लीटर है। शाबाश भाई, देखो मिलके करते हैं, ठीक है, हाफ लीटर है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटम, कि इसके अंदर जो वाटर फिल है ना वो इस बॉटम पर कितनी फोर्स लगाएगा। तो फोर्स कैलकुलेट करने से पहले हम बॉटम पर क्या कैलकुलेट करें बच्चों, प्रेशर कैलकुलेट करें, ठीक है। तो जो प्रेशर आएगा बॉटम पर वो क्या आ जाएगा सर, वो आएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर पी ए प्लस रो जी एच। इस हाइट के कारण प्रेशर क्या आएगा, रो जी एच। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर क्वेश्चन में गिवन है 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस रो। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो भी सवाल में गिवन है 10^3 अगर SI मिलेंगे kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू 10 है गिवन है, h क्या है 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को किस में बदले, मीटर में, तो क्या आ जाएगा 20×10^-2 मीटर। शाबाश। तो जो प्रेशर आएगा बॉटम पे वो क्या आ जाएगा, 10^5 है प्लस, देखो 10^3×10^4 10^4 और ये क्या बन जाएगा 10^5, एक जीरो है ना, तो क्या लिख सकते हैं 2×10^5×10^-2। तो 10^5 है, 10^5 है, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्या समस्या है। तो प्रेशर जो बॉटम पर आएगा वो क्या आएगा, 10^5 मैंने कॉमन ली, 1 प्लस यहां पर क्या बचा 2×10^-2। 2×10^-2 को मैं लिख सकता हूं 0.02, पक्की बात है। चलो देखो, तो प्रेशर क्या आ जाएगा बेटा बॉटम पर, 1+0.02 क्या आ जाएगा, 1.02×10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन पूछा क्या गया है बेटा बॉटम पे, फोर्स पूछी गई है। तो सभी जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू आ जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर है 1.02×10^5 इंटू एरिया। एरिया क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसमें बदले हैं सर, मीटर में। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख देंगे 10^-4 मीटर स्क्वायर, 10^5, 10^-4 क्या बनेगा 1.02×20 और ये क्या आ जाएगा 10^1। इस सारे को अगर कैलकुलेट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो बेटा इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 204 न्यूटन, 204 न्यूटन। यानी कि ये जो वाटर है ना, इतनी फोर्स कहां पर लगा रहा है, बॉटम पर लगा रहा है, कहां पर एग्जर्ट कर रहा है, बॉटम पर। तो शाबाश, स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कीजिएगा, मैं इसको मिटाता हूं और इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। देखो मिलके करते हैं, सुनो, देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो फोर्स बॉटम पर क्या आ गई अपने पास, 204 न्यूटन आ गई। जो फोर्स कहां पर लग रही है, बॉटम पर लग रही है। देखो भाई इसका बी पार्ट करते हैं, ठीक है, मिलके करते हैं। देखो कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ वॉटर, की वॉटर इसमें है वो इक्विलिब्रियम में है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एग्जर्टेड बाई द साइड्स ऑफ द ग्लास ऑन द वाटर। ग्लास की जो साइड्स है ना, वो वाटर पर क्या फोर्स लगाएंगी वो बताना है। अगर वाटर इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स इस पर क्या होगी, जीरो होगी। देखो इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है, उसकी वॉल्यूम है, मतलब उसका मास हम निकाल सकते हैं। यानी कि इसके ऊपर नीचे जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी बच्चों, mg लगेगी। बोलो पक्की बात है, ऊपर से क्या फोर्स लगेगी, PA into area, भैया एटमोस्फेरिक प्रेशर, और क्या होगा जो एरिया वो फोर्स लगेगी डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा देखो, इतनी फोर्स पानी नीचे लगा रहा है 204 न्यूटन की यहां पर बेस पे, तो ये इस पे क्या लगाएगा, रिएक्शन लगाएगा आर ऊपर की तरफ, पक्की बात है। अच्छा साइड फोर्स बच गई, साइड फोर्स या तो अपवर्ड लगेगी या डाउनवर्ड लगेगी। अगर हमने अपवर्ड माना और वो डाउनवर्ड हुई तो नेगेटिव आ जाएगी, अगर हमने डाउनवर्ड माना और अपवर्ड हुई तो नेगेटिव आ जाएगी। हम मान लेते हैं साइड फोर्स भी किधर लग रही है, अपवर्ड। अगर वो पॉजिटिव आई, मतलब वो अपवर्ड ही लग रही है, अगर नेगेटिव आई तो किधर लग रही है, वो डाउनवर्ड लग रही है। तो इक्विलिब्रियम में है वाटर, मतलब नेट फोर्स क्या होगी, जीरो। सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेज। डाउनवर्ड क्या क्या फोर्स लग रही है सर, देखो अपवर्ड देखो क्या क्या लग रही है, आर रिएक्शन की फोर्स प्लस FS, ये रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, जिसको हम R से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर N से भी डिनोट कर सकते हैं। तो R प्लस FS साइड फोर्स जो हमें बतानी है, इक्वल टू mg प्लस PA इनटू एरिया।
तो क्या आ जाएगा, रिएक्शन फोर्स कितनी होगी। देखो नीचे 204 न्यूटन की लगाई थी इसने, तो ऊपर भी क्या लगेगी रिएक्शन उसका, 204 प्लस एफ एस साइड फोर्स इक्वल टू एम जी। सर इसका मास क्या होगा, पानी कितना है, हाफ लीटर है, कितना है, हाफ लीटर है, तो हाफ वी इक्वल टू हाफ लीटर है, तो एक लीटर में होते हैं 10^-3 मीटर क्यूब। ठीक है, 10^-3 मीटर क्यूब होते हैं, एक लीटर में होते हैं 10^-3 मीटर क्यूब। तो हमें तो मास निकालना है ना, तो सभी जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या होगी सर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 10^3 केजी पर मीटर क्यूब इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, हाफ इनटू 10^-3 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, 10^3 से 10^-3 कैंसिल, तो मास क्या आ गया सर, 1/2 और केजी, 1/2 केजी। तो हाफ लीटर वॉल्यूम है तो मास क्या होगा, हाफ केजी। तो 1/2 जी को पुट कर देते हैं 10, तो ऊपर आ जाएगा 10 प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर गिवन है 10^5 एरिया। एरिया कितना है अपने पास, ये जो एरिया है अपवर्ड, ये भी बता रखा है सवाल में, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो आ जाएगा 10^-4 मीटर स्क्वायर। शाबाश, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो इक्वल टू 5 प्लस 10^5 10^-4 10^1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10^1 इंटू 20 को लिख सकते हैं 200। 204 प्लस एफ एस साइड फोर्स इक्वल टू ये आ जाएगी। तो यहां से देखो शाबाश, यहां पे करते हैं, देखो साइड फोर्स अपने पास क्या आ जाएगी, 205 इधर आके क्या होगा, 205 माइनस 204 साइड फोर्स क्या आ जाएगी, प्लस 1 न्यूटन। प्लस का क्या मतलब है कि साइड फोर्स हमने अपवर्ड मानी थी, तो अपवर्ड ही वो एग्जर्ट कर रही है। शाबाश, स्क्रीन को पॉज करके और नोट करो, और अच्छा सवाल है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।